नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जमशेदपुर के गैर कंपनी क्षेत्र में चरमराई विद्युत व्यवस्था के खिलाफ युवा कांग्रेस के द्वारा विद्युत विभाग महाप्रबंधक कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। साथ ही अविलंब बेहतर विद्युत आपूर्ति की मांग की गई। बता दें कि जमशेदपुर शहर का तापमान लगातार 42 डिग्री से ऊपर है और लोग भीषण गर्मी से परेशान है। ऊपर से चरमराई विद्युत व्यवस्था ने लोगों के रातों की नींद हराम कर दी है। इसके खिलाफ युवा कांग्रेस ने यह प्रदर्शन किया। इन्होंने कहा कि गैर कंपनी क्षेत्र में सरकारी विद्युत की व्यवस्था है और लोगों को 24 घंटे में काफी कम समय के लिए बिजली मिल रही है। साथ ही जर्जर पोल व बिजली के तारों के कारण कई इलाकों में विद्युत की आपूर्ति नहीं हो रही है। ऐसे तमाम समस्याओं को दूर कर निर्बाध विद्युत आपूर्ति की मांग इन्होंने की है। आज पूर्वी सिंहभूम जिला युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीरज सिंह के नेतृत्व में बिजली विभाग में ज्ञापन देने हम लोग आए हैं और हमारी मांगे हैं कि जो बिजली में कटौती की जा रही है, जिससे ग्रामीण एवं शहर के नागरिकों को जो डीवीसी की लाइन पे निर्भर है, जो उनको परेशानियां हो रही हैं, गर्मी काफ़ी है और लोग हमेशा अक्सर कंप्लेन करते रहते हैं कि ऐसा परेशानी उनके पास हो रही है उनके साथ, तो उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ पर GM से मिलने आए। क्षेत्र में जो भी बस्ती है, जो भी इलाका है, उसमें जो है अधिकतर देखा जा रहा है कि 24 घंटे में 12 से 13 घंटा ही बिजली की आपूर्ति हो रही है और बाकी समय में जो है बिजली कट रही है, जिसके कारण वहाँ के लोगों के वहाँ पर अधिकतर मजदूर लोग रहते हैं, जो दिन भर काम करते हैं, रात में आते हैं तो उनको बिजली कटौती के बाद उन्हें बहुत इसका समस्या झेलना पड़ रहा है। साथ ही साथ पूर्वी विधानसभा के कुछ इलाकों में खंभाओं की जो हालत है वो बहुत जंजर हो गई है, बिजली की तार का जो हालत है वो जंजर हो गई है। नीचे घर ऊपर से 11,000 वोल्ट की जो है तार गई हुई है, तेज हवा चलने से तार फटने से वहाँ पे आग लगने की खतरा है, तार गिरने की खतरा है। यही सब मांगों को लेकर आज हम लोग यहाँ पर GM कार्यालय झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में आए हैं और सर से मांग कर रहे हैं कि सब इनको जो है जल्द से जल्द इसको ठीक करें, नहीं तो हम लोग आगे चल के JBNL के सचिव को हम लोग मिलने का काम करें। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।